ये इस तरह से काम नहीं करता। हाँ। सनम। हाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे घर में सोने की आदत नहीं रही, पर मैं बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं सो सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं चलता हूँ। वैसे आपने पी रखी है और आपने अपना स्टाइल भी बदल दिया है, और ये इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? वैसे आप जाना चाहो तो जा सकते हैं। Okay. वैसे मैं हमारे बीच में कुछ रख देती हूँ। हाँ, ऐसे करो। इस साइड। Okay. ये काफी सडन है और आपने इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इधर दीजिए, इधर दीजिए, मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ। क्या तुम हम दोनों के बीच दीवार बना रही हो? मैं दुश्मन नहीं हूँ यार। Come on. बस आपके कंफर्ट के लिए। Okay. ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ। क्या आप कंफर्टेबल हैं? बहुत ज्यादा। मैं कंफर्टेबल हूँ। और तुम? सुपर। गुड नाइट नेबर। हाँ, गुड नाइट पड़ोसी। जब से जान आए हैं तुम अच्छा खाना तक नहीं बना पा रही हो। क्या हो गया है तुम्हें सनम? मैं पोच एक बना रही हूँ सुबह से, क्योंकि वो जान के लिस्ट में था, क्योंकि उनके आइडियल वुमेन को पोच वुमेन बनाना आना चाहिए। इसलिए इसका क्या कनेक्शन है? तुम बकवास कर रही हो। मैं पोच एक बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है और अच्छा खाना बना लेती हूँ। मैं इसे बना रही हूँ बस चेंज के लिए। तुम फिर से 7वें आसमान पर हो। पहले रेसिपी तो पढ़ लो। पानी को स्टेर करो और उसमें अंडा डालो। आह सनम, आह, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये तो ऐसा ही करना था। ओह, इसमें भी तो यही लिखा है। देखा, अब ठीक है ना? तुम बहुत होशियार हो सनम। देखा, मैंने कर दिखाया। मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार, बहुत होशियार हूँ। ब्रावो, ब्रावो। अब परफेक्ट है ना? मुझे खुद पर नाज है। मैंने कर दिखाया। आई लव यू। ये मैंने आपसे नहीं कहा। किससे बात करी हो? अपने इनर वॉइस से। तुम्हारी इनर वॉइस से बहुत बनती है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। सही है, तुम्हारे पास अच्छा दोस्त है। वैसे क्या बना रही हो? वैसे मैं पोच एग्स बना रही थी। आपको पसंद है ना पोच एग्स? मैं नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो उसमें थोड़ा बटर डाल दो और चिली पेपर भी, फिर उसमें टेस्ट आ जाएगा। पर अगर सिर्फ पोच्ड एग्स, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आपको, वैसे आपको अगर पोच्ड एग्स पसंद नहीं है तो फिर आपने वैसे कोई नहीं, भूल जाइए उस बात को। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये सब क्या है? तुमने तो ये सब बना दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने सोचा कि पोज एक पार्टी कर लेते हैं। क्या ये सब क्या है भाई? पोच्ड एग्स उसे उबालते हैं पानी में और फिर बाहर निकालकर उस पर चिली सॉस डालते हैं। बस इतना ही, ज्यादा स्पेशल डिश नहीं है, यू नो। ऐसे कैसे? लगता है आपने कभी पोच्ड एग्स खाए नहीं? नहीं खाए। क्या आपको सच में पता नहीं? सच में मैंने पहले नहीं खाया। मेरा मतलब आपने इससे पहले नहीं खाया कभी? आइए आइए बैठिए ना, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले पोच्ड एग्स खाऊंगी और फिर मुझे जाना होगा क्योंकि फेरिट स्टूडियो में मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, इसी बहाने उससे हाय हेलो भी हो जाएगी। हाँ ठीक है। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पोच्ड एग्स है और जरूरी नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं संभाल लूंगी। Oh God. Hey, Mrs. Uma, तुम यहाँ कार के नीचे क्या कर रहे हो? मेरी स्टिक नीचे गिर गई थी, वही उठा रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ हेलो। मुझे रास्ते में ये दिखा, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं मॉम, आप घर जाइए। अब नहीं, मैं यही रहना प्रेफर करूंगी। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। बैठिए ना मिसेस युमा प्लीज। ईद सनम, मुझे तुमसे बुक के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हम कर पाएंगे क्या बात? फिलहाल क्रीम प्रोडक्शन को लेकर कुछ बातें चल रही है, मुझे काफी सारी चीजें सॉर्ट करनी है। बुलुत भी आ गया, मुझे उसके साथ थोड़ा काम है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गाइस, एक बैड न्यूज है, हमारा लॉयर नहीं आ पाया। शायद वो काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है। चलो, चाहे लॉयर भाग गया हो पर जमल नहीं भाग सकता। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। नहीं सनम, हमें लॉ को फॉलो करना होगा और उसके पहले हम उसे ढूंढना होगा। नहीं बुलत, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। देखो, हम क्रीम बना रहे हैं, कल को हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पर मुझे लगता है कि लॉयर ना मिलने के पीछे जमल का हाथ है। तो मुझे उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सनम, मेरे हिसाब से तुम्हें बात करनी चाहिए। सनम, अगर तुम पूरा वक्त क्रीम प्रोडक्शन में दोगे तो बुक तभी लिखोगे सनम तुम। हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है। मैं चलती हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम साथ चलते हैं। क्या किसकी कार? मेरा मतलब कार से जाओगे? Of course, mom. मैं भी चलती हूँ। ठीक है, हम तुम्हें फोन करेंगे। आराम से चलो। आराम से ही तो चल रही हूँ। मोम, वैसे आप हमारे साथ क्यों आए? वो मुझे टाउन में कुछ काम है, बैंक जाना है ना, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। वैसे जान, हमें इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाना चाहिए। देखो ना कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नहीं, कहाँ कोई आवाज आ रही है। रोड की वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। ओ, आप ठीक तो है ना? कुछ तो गड़बड़ है। कार को साइड में रोको ना जान, मैं उधर का चेक करती हूँ। रोको साइड में। हाँ रोक दो यहीं पर। बस ठीक है। मॉम आप क्या कर रही हैं? बेटा अब जरा कार से उतर कर देखो ना कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है ना। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कार में से। एक बार चेक करो। मॉम। जान मुझे बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है, एक बार चेक कर लो ना प्लीज। आपकी मॉम इतना कह रही है तो जाके एक बार चेक कीजिए। क्या बुरी फीलिंग्स? मतलब कैसी फीलिंग्स? पता नहीं सने, बस जी घबरा रहा है हाँ। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। वो हिस्सा भी चेक कर लो, कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप डरिए मत। पता नहीं सने, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं मॉम सब ठीक लग रहा है। कहीं टायर की जगह स्टीयरिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं मॉम प्लीज बैठ जाओ। ठीक है मैं बैठ तो जाती हूँ, पर प्लीज कार चलाने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना, समझ रहे हो ना? ठीक है मॉम बैठ जाओ। आराम से चलो। मिसेस उमा काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। हाँ माँ हूँ ना, थोड़ी घबरा जाती हूँ, ये तो हर मॉम के साथ होता है। तो मैं गर्मी हो रही है क्या? एसी चालू करूं? नहीं, जंगल की ताज़ी हवा एसी से भी बेहतर है। अच्छा मुझे जंगल से याद आया, वो ड्रॉ खोलोगी प्लीज? जुनिपर बेरीज, ये यही मिले आपको? तुमने कहा था ना तुम्हें जुनिपर बेरीज से परफ्यूम बनाना है, तो उस दिन मैं जंगलों से गुजर रहा था तो मुझे दिख गया तो मैंने कलेक्ट कर लिया। मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, तुम जाकर कलेक्ट कर लेना जब भी तुम्हें जरूरत हो। हाँ थैंक यू सो मच, हम साथ में जाएंगे। मिसेस हुमा आपको म्यूजिक सुनना है? हाँ। यहाँ आसपास कोई कैब स्टेशन है क्या? हाँ रोड की उस तरफ होगा शायद। मॉम आपको यहाँ काम था राइट? हाँ, पर अब मैं वो काम बाद में कर लूंगी। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आकर मजा आया। ठीक है बेटा। सनम बाय डियर। मेरी प्यारी सनम, उन्होंने मुझे प्यारी कहा? हाँ उन्होंने तुम्हें मेरी प्यारी सनम ही कहा, काफी अनयूजुअल। अरे नहीं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मिसेस युमा ने मुझे पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जमाल की दुकान मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुनो जाने से पहले, जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊंगा। तुम जाओ और उस आदमी को सबक सिखाओ। ओह नो, मैं यहाँ हील्स पहन के क्यों आई हूँ? तुम जमाल हो? हाँ मैं हूँ। हेलो मिस्टर जमाल, मैं सनम आयदन, जिस क्रीम को तुम सीक्रेटली ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो उसकी ओनर। तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए बहन जी मैं, वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसे मिस सनम कहो, समझे बेटा? प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो ठीक है? चलो मिस सनम, देखिए फार्म में जो हुआ उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, तो अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं अब कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब आज जो लीगल नोटिस मुझे मिली है उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है और तुम्हारा क्रीम की चोरी में कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहना है ना? तुम्हें लीगलिटी समझ आती है? अगर तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रही तो मेरे पास और कई रास्ते हैं, आई एम श्योर तुम वो रास्ता नहीं चाहते। देखिए मेरा उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो चोरी किसी और ने की होगी, मैं तो अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे खुद की क्रीम की लाइन है, मैं चोरी करके क्या करूँगा? लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कोई कोइंसिडेंस होगा। वो लोग लॉयर है, वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तुम्हारी इन बातों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। I agree. सच कहो वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा बेटा। हाँ बिल्कुल ही नहीं। चलो बहन। चलो भाई। क्या? क्या बात है सनम, तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। बेचारा डर गया बहुत। क्यों है ना? हाँ। बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने गुस्सा किया ना, उसे समझ आ गया होगा कि सनम इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सनम तुम क्या कर रही हो? कौन सी लड़की ऐसा बिहेव करती है? सॉरी, वो मैं क्रीम को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और ऊपर से आज का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे मैं बहुत शांत इंसान हूँ, ऐसी चीजों में गुस्सा नहीं करती। बिल्कुल। एक सेकंड। उसने कहा कि खुद की क्रीम लाइन है, जरूर वो झूठ बोल रहा है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ कौन सी। अरे रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं। जान, आप मुझसे आर्ग्यू मत कीजिए प्लीज, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। तुम जाओ, पर मैं बस ये कह रहा था कि तुमने हील्स पहन रखी है, तुम गिर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो तुम्हारा एटीट्यूड कचरा हो जाएगा, समझो। तुम हील्स गई तेल लेने, मुझे जमल से बात करनी है अभी के अभी। वो मेरी ही क्रीम्स बेच रहा है। सनम क्या बात है सनम, 3 सेकंड के लिए तुम तो शांत रही। करिश्मा कर दो भगवान, करिश्मा। हम बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तुमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं कर पाया। वो लोग यहाँ आए थे पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है। सुनो, वो लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, तुमसे फालट रहना बस। वो अरित सनम, उसने तो मुझ पर ऑलमोस्ट अटैक ही किया था। उसके साथ वो बड़ा आदमी आया था, उन्हें मुझ पर शक तो है, आई एम श्योर। क्रीम कहाँ रखी है? क्रीम्स कार में है, मैं उन्हें डिपॉजिट भिजवा रहा हूँ। पर हमें संभल कर रहना होगा। जान। खैर, जब तक केस खत्म होगा तब तक हमारी क्रीम मार्केट में होगी। अगर कुछ काम है तो मुझे फोन करना। मैंने उसे अभी फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि सनम को हम पर शक है। मैं जानती हूँ कि जमल का एलर्जी के केस के पीछे कोई हाथ है। मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि वो क्रीम को लेकर डिपोर्ट जाएंगे। हम दोनों वहाँ जाकर चेक करते हैं, अगर वो मेरी क्रीम हुई तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कौन सी क्रीम सनम? उसके पास तुम्हारी क्रीम है? दरन और बुलेट ने कहा था कि वो क्रीम्स को लेकर आया है, पर क्या पता इसने कहीं और पैकेट छुपाए हो। आई एम श्योर कि ये आदमी चालाकी कर रहा है। सनम बेटर होगा हम चले जाए, बुलेट सब कुछ हैंडल कर लेगा। यार जान प्लीज, वो मेरी क्रीम है, बुलेट को अपना काम करने दीजिए और मुझे वहाँ जाना है। दैट्स फाइनल। यार तुम कब से एक ही चीज की रट लगाए जा रही हो, क्या करोगी वहाँ जाके? कौन सा डेपो, क्या करोगी वहाँ जाके वो बताओ? कब से एक ही जिद कर रही हो? जान आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अंकल हुसैन। सनम अब देखिए हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढती हूँ। हुसैन अंकल, कैसी हो मेरी बेटी सनम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मेरे हाथ कितने मुलायम हो गए, देखो। तुम्हारी क्रीम का जादू है, कमाल की क्रीम है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी क्रीम काम कर गई। वैसे हुसैन अंकल, क्रीम ना बहुत मशहूर हो गई है और आपकी तरह बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं मुझे, इसलिए मैं अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रही हूँ। और क्या आप जानते हैं यहाँ कहीं आसपास डिपोट है जहाँ पर क्रीम और कॉस्मेटिक जैसी चीजें बनाई जाती है? क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? पास ही में जमाल का डिपो है, म्युनिसिपल सेंटर के पास है वो बिल्डिंग। अच्छा, म्युनिसिपल सेंटर, ठीक है, मिलते हैं अंकल। थैंक यू सो मच। वैसे जमाल को इस बारे में कुछ मत बताना, मुझे उससे पहले ही बात करनी होगी, डील लॉक करनी होगी, इतना सारा प्रोसीजर करना है। मत करो, नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, गुड बाय। ठीक है, चलिए। ठीक है चलिए, साथ में चलते हैं। मुझे नहीं जाना पर। अरे चलिए ना। ठीक है, प्लीज 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 चलिए ना। हाँ, वो देखिए वो रहे बॉक्सेस। वो लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं, उसमें मेरी क्रीम तो नहीं होगी ना? चलिए ना जाकर देखते हैं। सनम छोड़ो ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। बुलेट है ना, वो हैंडल कर लेगा। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं, वो मेरी क्रीम है। आप यही रुकिए, मैं चुपके से। अरे सनम, सनम चलो जल्दी जल्दी बॉक्स अंदर रखो, कमाल कर। हमारे पास काफी काम है, जल्दी करो जल्दी करो। क्रीम्स पीछे साइड में रखना, चलो जल्दी जल्दी कमाल कमाल जल्दी करो, नहीं तो क्रीम टूट। मुझे वो वाले बॉक्सेस देखने हैं, वैसे मत रखो क्रीम टूट जाएगी। दरवाजा खोलो और बॉक्स लाओ, चलो जल्दी करो जल्दी 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 रखो। चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ अभी, ठीक है? चलो आप भी निकल जाओ बाहर, क्रीम रख के। अब मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। वॉल्यूम कम रखो अपना। सफोकेशन हो रही है, मुझे लगा मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, लेकिन आपने बचा लिया अंकल, थैंक यू सो मच। तुम ही तो हो मेरी प्यारी ट्रबल मेकर। प्यारी ट्रबल मेकर? मैं आपकी प्यारी ट्रबल मेकर हूँ। हमें यहाँ कब तक रुकना होगा? रात तक, जब तक लेबर्स चले नहीं जाते। अब वैसे हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, इलीगल काम करने जा रहे हम। वैसे एक बात कहूँ, हमें ये काम पुलिस से करवाना चाहिए। अच्छा, हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। यहाँ वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये जगह काफी छोटी है और ऊपर से आप मेरे इतने करीब है, और मेरा मतलब है यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं कहाँ वरी हूँ, हम बहुत ही पास खड़े हैं ना, एक सेकंड जगह बदलते हैं। हम जगह बदल कर देखते हैं। वो क्या है ना, मेरा लेफ्ट कान काफी अच्छा है तो मैं अच्छे से सुन पाऊंगी, इसलिए। ये नेकलेस बहुत ही डेंजरस है, कोई हक करने जाएगा तो उसे चोट लग सकती है। ट्राई करके देखते हैं। चुप रहा। हाँ। वैसे तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया है, तुम्हारा ये नेकलेस ये काफी सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। वैसे आपकी स्टाइल भी काफी अच्छी है, नो नेकलेस नो रिंग, काफी स्टाइलिश लग रहा है आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तुम्हें सिंपलिसिटी पसंद है, तुमने लिस्ट में वही लिखा था ना। ओह, आपने मेरा आंसर पढ़ा। वैसे मैंने भी मतलब एक्सीडेंटली पढ़ते पढ़ते देख लिया था, पर ताज्जुब की बात है कि डिस्क्रिप्शन एकदम मुझसे मिलते जुलते हैं, और मैं भी काफी क्यूरियस थी, देखना चाहती थी कि सालों बाद आपके क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल पोच एग्स, वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको अंडे इतने पसंद है। पोच एग वेरी इंटरेस्टिंग। पोच्ड एग्स, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तुमने किसी और के आंसर्स पढ़े होंगे सनम। हाँ शायद। खैर सनम, मुझे तुम्हारा ये नया स्टाइल, तुम्हारी स्माइल काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत 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 ज़्यादा। आई मीन एकदम दिल से कह रहा हूँ पार्टनर। और आप ही काफी हैंडसम लग रहे हैं बिजनेस पार्टनर। सब बाहर आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ। चलो निकलो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैं लॉक कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो चले गए, चलिए बाहर निकलते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए, वहाँ एक रूम है। सनम, आ जाओ। तुम चोर अच्छी बन सकती हो। इस पर कोई लेबल क्यों नहीं है? ये मेरी क्रीम है जान। Are you sure? सारे डब्बे क्रीम से भरे हुए हैं और ये मेरी ही क्रीम है जिसे बेचकर वो प्रॉफिट कमाएगा, और यही रीजन है कि वो कोर्ट में गया और मुझे मेरी क्रीम प्रोड्यूस करने से रोक दिया। ठीक है, 2 सैंपल लो और जल्दी से फार्म पर वापस चलते हैं। हम सब साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके। और तुम्हारा यहाँ आने का आइडिया काफी अच्छा था, जेन्युइनली। थोड़ा सा लेट कन्फेस कर रहा हूँ, पर वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये नया स्टाइल बहुत ही कैरिज्मेटिक है और तुम्हारा एटीट्यूड भी काफी अच्छा लग रहा है। सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी दिखती हो मेरी बिजनेस पार्टनर। प्रिटी वेरी। हाँ, और हम पड़ोसी भी हैं। बाहर जाए? मुझे नहीं जाना। जाना है? ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। चलिए। ये तो लॉक्ड है। ऑफ कोर्स, ये खुल नहीं रहा मतलब लॉक्ड ही है ना। ये सार्केज्म देने की जरूरत नहीं थी। तो जाते वक्त लॉक तो लगाएंगे ना, कैसी बात कर रही हो? क्या करेंगे हम? वैसे अगर तुम्हें यहाँ का भी कोई पासवर्ड पता हो तो प्लीज डाल दो। नहीं, वो मैं नहीं देख पाया। अच्छी बात है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वहाँ विंडो नजर आ रही है, वहीं से जंप करेंगे। और किसी ने देख लिया तो भागने लगेंगे। हिल्स में भागना थोड़ा मुश्किल है, पर जान थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। हाँ, संभल कर। आ जाओ आ जाओ, आराम से कूदना, तुम बहुत हैवी हो। तुम पहली पड़ोसी हो जिससे इतना क्लोज हूँ। हाँ, आप भी। पड़ोसी बहुत वैल्यूएबल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ निभाते हैं।